अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मोहम्मद अली आगा विद फिजान सलीम। और व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटा सा कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन इस तरह से है कि अगर आपने अपनी मैरू भेज दी है या अपना बॉस भेज दिया और उसके बाद आप परेशान है कि आप कार कौन सी लें, कम बजट में बेहतरीन माइलेज वाली कार कौन सी लें, तो वो कार हम आपके लिए दो लाए हैं, दो ऑप्शन लाए हैं, और उसके बारे में हम आपको अकेले नहीं बताएंगे। हमारे साथ जो इन कार्स के ऑनर हैं, मुश्ताक एंड अफजल मोटर्स के हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक यार। हमारे व्यूवर्स बड़े परेशान हैं, कहने हैं गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई अच्छी सी एवरेज वाली कार लेके आए। तो थैंक यू, आपने हमें ये दो कार्स दिखा दी, तो जरा आप ही दो गाड़ियाँ, बड़ी पॉपुलर गाड़ियाँ हैं, एक सुजुकी ऑल्टो है और एक दहत्सु मीरा है। दोनों पाकिस्तान की मार्केट में बड़ी पॉपुलर रही हैं गाड़ियाँ, और अब जो इनकी नई जनरेशन है, ये फ्यूल इकोनॉमी में इन्होंने तबाही फेर दी। अच्छा, तबाही फेर दी है, एक क्लेम कर रहे हैं जी, तबाही फेर दी। अब देखते हैं कि स्पेशली हमारे पास अगर हम दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करते जाएं, लुक वाइज तो गाड़ियां है ही अच्छी, प्लस फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो एक गाड़ी हमें जहां 25 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है, दूसरी न्यू जनरेशन की ऑल्टो हमें 30 किलोमीटर पर लीटर 30 किलोमीटर ये आप कंफर्म है इस बारे में? आप क्लेम कर रहे हैं, देख लीजिएगा, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, यानी ऑलमोस्ट हसलर जितनी इस वक्त ये ऑल्टो आपको एवरेज दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बाय लुक्स आ जाए तो ये तो बड़ी क्यूट सी है, और उसमें जरा एग्रेशन वाला एलिमेंट आता है इसमें। बिल्कुल, वो कह लें कि दो डिफरेंट कंपनीज एक अपने स्टाइल के साथ उसी तरीके से जा रहे हैं। आप सुजुकी हसलर को देखेंगे तो वो एग्रेसिव है, ये आपको थोड़ी सी क्यूट सी गाड़ी लगेगी। और इसमें जो लाइट टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो, ये दोनों गाड़ियों में LED हेडलैम्प्स आते हैं। फ्रंट की जो आप लुक देखेंगे इसके अंदर, आपको DRLs भी मिलेंगे दोनों गाड़ी के अंदर, और इंडिकेटर जो है वो हैलोजन लैंप हैं, वो हैलोजन लैंप। उसके अलावा एयर इनटेक की ग्रिल बिल्कुल इन्होंने स्ट्रेट डिजाइन रखा हुआ है। बिल्कुल ओके। और पार्किंग सेंसर सिर्फ आई गेस मीरा में आते हैं, ऑल्टो में नहीं? ऑल्टो के अंदर बैक पार्किंग सेंसर हैं, इसके अंदर फ्रंट बैक दोनों पार्किंग सेंसर, पार्किंग पर दोनों गाड़ियां इक्विप्ड हैं विद ऑटो ब्रेकिंग रडार, लेन असिस्ट, इस मतलब जो ADAS फीचर हैं उसके साथ ये इक्विप्ड है गाड़ी। अच्छा, अगर हम साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो इसके दोनों के साइड के फेंडर्स पे इंडिकेटर हैं हैलोजन लैंप में, और टायर की अगर हम बात कर लें तो दोनों के फ्रंट साइड पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आती हैं। जी बिल्कुल, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं, और मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग इनके फ्रंट पे जो है वो सस्पेंशन भी यूज हो रही है। बिल्कुल, और दोनों के जो मिरर्स हैं वो दोनों रिट्रैक्टेबल मिरर हैं। हाँ जी, रिट्रैक्टेबल मिरर के साथ हैं, प्लस अभी हम जब इंटीरियर पे जाएंगे वो भी आप देखेंगे उसके फीचर्स वगैरह, तो आपको आइडिया होगा कि कितनी इक्विप्ड है ये गाड़ी। और टॉप साइड पे इनके शॉर्ट पोल एंटीना आता है। बिल्कुल, और दोनों की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 30 लीटर में आती है। 30 लीटर में आती है, मैक्स 30 लीटर इनकी कैपेसिटी। अच्छा, एक साइड पे हम देख रहे हैं, एक पैकेज में हमें रिम मिल रहे हैं और दूसरे वाले में हमें ये बेसिकली मिड वेरिएंट है ऑल्टो का, और ये टॉप ऑफ द लाइन है, GS3 वेरिएंट है आपका अमीरा का, इसलिए इसके अंदर अलॉय व्हील्स आपको नहीं नजर आ रहे, उसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। थोड़ा अगर हम इसके बैक साइड पर आ जाएं, इन्होंने अंदर से तो स्पेस बढ़ा दी है जैपनीज ने, लेकिन हमारी बूट स्पेस बहुत माइनर सी कर दी है। ये दोनों गाड़ियां 660 सीसी में जैपनीज मार्केट में कॉम्पैक्ट गाड़ियां हैं। आपने पहले हमारा हसलर हमने जब देखी थी, हसलर के अंदर हमारे पास बड़ी स्पेस थी, पीछे की रिक्लाइनिंग सीट्स थी, वो एक अलग कैटेगरी की गाड़ी है। ये आपकी कॉम्पैक्ट गाड़ी है बिल्कुल, जो बेसिक स्टार्टर गाड़ियां कहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में मेहरान है, जापान के अंदर ऑल्टो और मीरा को जो एज अ स्टार्टिंग कार जो लोग लेते हैं, ज्यादातर जापानीज में भी मैंने देखा है वो लेडीज के लिए ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारे महाराज दराज भी बड़े शौक से इसको चला रहे हैं। गाड़ी की ड्राइव फ्यूल एवरेज इतनी अच्छी है तो हर कोई पसंद बिल्कुल, जो यहाँ पे फ्यूल का रेट है उसके हिसाब से भी बिल्कुल ये आपको 1-5 जितनी इकोनॉमी देगी गाड़ी तो फिर आप ऑब्वियसली प्रेफर करें। थोड़ा सा अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आई गेस मीरा थोड़ी अप है, ये ऑलमोस्ट 155 mm, बिल्कुल, एंड देन ऑल्टो में 150 mm ऑलमोस्ट, ऐसे ही है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, इतना डिफरेंस नहीं है, पर मीरा का थोड़ा सा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। जी तो व्यूवर्स, अब हम आ गए हैं मीरा के इंटीरियर की तरफ, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएंगे, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। जी, जैसे मैंने आपको बताया ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, GS3 इसे कहते हैं। इसके अंदर हमें एक पुश स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, प्लस रडार सिस्टम आपको सारा वो मिल जाता है, प्लस आपने इसके अंदर देखा होगा आपको सिल्वर लाइनिंग इस इवेंट्स में मिल जाएगी, और
प्लस इसका जो मीटर है वो ब्लू कलर में है। ये डिजिटल मीटर है कंप्लीट और सारी इन्फॉर्मेशन इसकी जी आ रही है। और इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी कोलिजन, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ वाला भी ऑप्शन इसमें मिलता है। और ये जो आई गेस सीट्स हैं ये भी बहुत हीटेड सीट्स हैं, बहुत हीटेड सीट्स आती हैं इस वेरिएंट के अंदर। और प्लस आपने पुरानी मीरा देखी होगी और इस मीरा की बिल्ड क्वालिटी में आपको नो डाउट वो आपको एक फील भी आ रही है, बिल्कुल प्रीमियम फील आ रही है। और इवन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूएसबी चार्जर मिलता है, 12 वोल्ट का ये पावर आउटलेट भी है। एंड देन ये लोअर साइड पे आप अपना कोई कंसोल वगैरह ऐड करवाना चाहें तो वो भी आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं, इजीली वो रख सकते हैं। और ये लेकिन इसमें अभी तक हैंड ब्रेक जो है वो आपकी ये मैनुअली आ रही है, इलेक्ट्रिक नहीं आ रही। बेसिक गाड़ी है वहाँ की ना, जापान की, तो इसके अंदर वो आपको छोटे पैकेज में जितने मैक्सिमम फीचर्स हैं। अगर हम स्टीयरिंग की बात कर लें तो ये रैक एंड पिनियन है, इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड। जी जी इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड। प्लस इसके अंदर अगर और बात करते हैं इसके अंदर फ्रंट बैक रिकॉर्डर कैमरा भी कैमकॉर्डर भी इसमें एडेड है, इंस्टॉल्ड है। और सेफ्टी फीचर्स में ये हमें क्या कहते हैं फीचर के लिहाज से इसके अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं, 6 एयरबैग, 4% की टोटल सीटिंग कैपेसिटी। हां जी। इसके अलावा अगर हम इसके रूम का कलर देख लें तो अच्छा सा टू टोन में इसकी ये कॉम्बिनेशन है, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत। प्लस बैक सीट्स भी इसकी बड़ी स्पेशियस हैं। और ये जो सीट्स पे फैब्रिक यूज किया गया है, हाँ ये बेसिक फैब्रिक इसके अंदर, वो इसके अंदर लेदर पैकेज में कुछ नहीं है, अगर आपने आफ्टर मार्केट लेदर करवाना तो आप करवा सकते हैं। जी तो व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं ऑल्टो के इंटीरियर की तरफ। तो ऑल्टो का भी सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील हम देख रहे हैं, 3 स्पोक में है, खूबसूरत सा स्पोर्टी सा। और ये भी रैक एंड पिनियन है, हाँ जी, और इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड है। और इसके अलावा फर्दर इसके अंदर फीचर्स, इसके अंदर मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा फीचर भी दिया गया है लेन असिस्ट का। हाँ जी, ये लेन डिपार्चर मिड वेरिएंट है, एल पैकेज ये आता है की स्टार्ट में। ओके। हाँ, पर इसके अंदर आप देखेंगे रिट्रैक्टेबल मिरर है, ठीक है, आपके पास लेन असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले सारे फीचर, ऑटो ब्रेकिंग रडार, ये सारे फीचर इसके अंदर आपको दिए गए हैं। बिल्कुल। तो बाकी इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल वाला वेरिएंट, इसके अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी आते हैं, इसके अंदर वो मैनुअल नॉब्स हैं। बिल्कुल। और इसके जो सिर्फ आपका राइट साइड की सीट है वो आपको हीटेड सीट मिलती है, यानी कि आपको सिर्फ ड्राइवर को सोना है सर्दियों में, बाकी जिस तरह मर्जी। बिल्कुल सही। और इसके अलावा इसके इंटीरियर की भी बिल्ड क्वालिटी बनिस्बत पुरानी ऑल्टो से कंपैरिजन किया जाए तो ये जनरेशन की इन्होंने बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी दी है। आपने एक चीज़ बड़ी नोटिस कर रहे होंगे कि इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल वाइब्रेशन जीरो है, न्यू टेक्नोलॉजी का इंजन है। और प्लस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा बैटरी लगी होती है इस सीट के नीचे, जो कि ऑल टाइम असिस्ट करती है इंजन को ड्राइविंग के वक्त, जिसकी वजह से इसकी जो अपना फ्यूल एवरेज है वो अराउंड 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर। सो बेसिकली ये सेमी हाइब्रिड कैटेगरी में आ जाती है। देन इसके अलावा ये अगेन सेफ्टी फीचर्स में, ये भी 6 SRS एयरबैग नहीं, ये मिड वेरिएंट है, इसके अंदर दो एयरबैग ओके। और ये भी टोटल ओवरऑल जो है वो 4% की सीटिंग कैपेसिटी है, 4% फैब्रिक में सीट्स हैं, फैब्रिक सीट्स हैं, प्लस सीटिंग कैपेसिटी भी मोर और लेस मीरा जितनी ही है। लेकिन आई गेस इसका रूम थोड़ा सा मीरा से ज़्यादा स्पेशियस है। हाँ जी, स्पेशियस वाइज ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा है। और इवन जो इसकी ये आपका हेड रूम है उसमें भी आपको काफ़ी मार्जिन अवेल हो जाता है मीरा के अगेंस्ट। और यहाँ पर जो है आप आफ्टर मार्केट अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से आप लगवा सकते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड में लगाना चाहते हैं या ओरिजिनल जापानीज वगैरह जो है लगाना चाहते हैं। तो ये थे व्यूअर्स दोनों के इंटीरियर। तो अब दोनों के इंजन के बारे में क्यों ना डिस्कशन कर लीजिए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, इसके इंजन की तरफ, इसकी माइलेज वगैरह अगेन एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स के लिए, और इसकी प्राइस भी एंड पे हम उनको बताएंगे जरूर कि क्या क्या है। और अवेलेबल जी मुश्ताक एंड फजल मोटर्स, मौलाना शौकत अली रोड जौहर टाउन पे हैं ये। कॉन्टैक्ट नंबर मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, अगेन आपके साथ शेयर कर दूंगा। और थोड़ा ये ऑल्टो के बारे में बताइएगा, ये इंजन वाइज इसकी क्या। ऑल्टो न्यू जनरेशन का इंजन आया है इसके अंदर, जो कि मतलब 2020 के बाद इंजन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी इसकी, तो जिसके अंदर हमें 6 इंजेक्टर वाला इंजन प्लस जो इसका जनरेटर है वो रीजनरेटिव इंजन है, जो कि आपको जो बैटरी अंदर आपको मैंने पहले बताया कि बैटरी लगी वो उसको असिस्ट करता है वाइल्ड ड्राइव, जिसकी वजह से इसकी आपको एक तो पावर आउटपुट ज़्यादा मिल रही है और फ्यूल इकोनॉमी आपको ज़्यादा हो जाती है। 3 इनलाइन सिलेंडर वाला है जी। ओके। और ये कितने हॉर्स पावर ऑलमोस्ट जनरेट करता है?
ये 67 हॉर्स पावर है और 100 न्यूटन मीटर टॉर्क। हम मीरा की बात करते चले तो मीरा का जो इंजन है 2017 से यही टेक्नोलॉजी का इंजन आ रहा है। मीरा के अंदर 3 सिलेंडर इंजन है और अपना इसकी 62 हॉर्स पावर है और अराउंड 97 के अराउंड बिल्कुल। और ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, पर जाहिर सी बात है एक नई टेक्नोलॉजी का इंजन और एक पुरानी जनरेशन का जो इंजन है उसमें फ्यूल एवरेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो अराउंड आपको 20 मीरा आपको 25 की एवरेज अराउंड देती है, 24-25 या ऑल्टो आपको इजीली अराउंड 30 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ठीक। अच्छा, इसके अलावा इसके थोड़ा स्पेयर पार्ट्स के बारे में बताएं कि स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर इस रीजन में इसकी कैसी है? क्योंकि मीरा तो आपकी काफ़ी देर से चल रही है, मतलब अराउंड 7 ईयर्स हो गए ये वाला मॉडल आते हुए, तो ये है कि इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। इन कंपैरिजन इस गाड़ी की बात की जाए तो मैकेनिकल पार्ट्स तो बहुत इजीली अवेलेबल है और इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। तो इसमें लेकिन अभी आपको कोई स्टार्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। स्टार्ट में हमेशा डिफिकल्टी होती है, पर क्योंकि हम यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं गाड़ियाँ, हम पार्ट्स भी इम्पोर्ट करते हैं, तो हम आपको कोई सोल्यूशन भी आप ही प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको हर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इनकी कॉलिंग क्या की जा रही है? सबसे पहले ऑल्टो के बारे में बताइए। ऑल्टो 2022 मॉडल है और अपना 24 की फ्रेश इम्पोर्ट है। इसकी हम आस्किंग कर रहे हैं 37,50,000 और इसके अगेंस्ट मीरा की, मीरा क्योंकि वो 23 मॉडल है, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, जस्ट 2900 किलोमीटर ड्रिवन है वो गाड़ी, एक कह लें 0 मीटर गाड़ी की तरह ही है वो, तो उसकी आस्किंग हम 4 मिलियन में आते हैं। 4 मिलियन जी, 4 मिलियन ओके। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर हम फन कार्स का रेफरेंस देखें, कोई आपके पास आता है तो क्या उसके लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट? बिल्कुल बिल्कुल, फन कार्स की तरफ से अगर तो हमारे क्लाइंट आएंगे तो इंशाल्लाह उनको जो है ना जो मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाएगा वो हम हमारी तरफ से देंगे, स्पेशल डिस्काउंट होगा, इवन प्लस उनको हम डिटेलिंग ग्लास कोटिंग गाड़ी के साथ करवा देंगे। हसन भाई की तरफ से आपको पैकेज अवेल कर दिया, तो ये गिफ्ट वगैरह भी आपको मिल गए और मतलब डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल गया आपको हसन भाई की तरफ से। तो लेकिन हसन भाई, मुझे ये बताएं कि इन दोनों कार्स में से आप प्रेफर किसको करेंगे? प्रेफरेंस की बात की जाए तो मेरा वोट है ऑल्टो के लिए, ऑल्टो की तरफ जी, क्योंकि एक तो नई जनरेशन का इंजन है और फ्यूल एवरेज कमाल है गाड़ी, आपको पेट्रोल की टेंशन नहीं। लेकिन जो मेरा वोट है ना, वो मेरा वोट अभी भी मीरा की तरफ है, क्योंकि जो स्मूथनेस है और जो क्लासी एक फील आ रही है ना, वो आई गेस ऑल्टो में अभी भी नहीं आ रही। ये तो थी हम दोनों की ओपिनियन, आपकी ओपिनियन क्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फर्दर भी आपको कार्स की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहे। तो हसन भाई, थैंक यू सो मच एंड टीम फन कार्स, इंशाल्लाह आपके साथ नई किसी एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।